हेलो फ्रेंड्स, सुमन आर्ट्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं क्लीनिनेस पर मॉडल। तो चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए मैंने ये थर्मोकोल का एक पीस लिया है। यहाँ से इसकी लंबाई है 23 इंच और यहाँ से 24 इंच। ये एक मोटा वाला थर्मोकोल है, इसकी मोटाई है 1.5 इंच। यदि आपको मोटा वाला थर्मोकोल नहीं मिलता है फ्रेंड्स, तो आप थर्मोकोल लेकर उसके 2 पीस आपस में से पेस्ट करके इसे मोटा बना सकते हैं। ये मैंने कुछ बॉक्सेस लिए हैं, ये देखिए, इन्हें मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से कट कर लिया है। आप चाहें तो ये कार्डबोर्ड से भी बॉक्सेस बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। सबसे पहले हम ये सारे बॉक्सेस को कलर पेपर से कवर कर लेंगे। आप चाहें तो फ्रेंड्स इसे कलर भी कर सकते हैं, वाटर कलर यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। मैं इनके लिए कलर पेपर यूज़ करूँगी। इस तरह से हमें इसे अच्छे से कवर करना है। ये नीचे से हमें ऐसे ही छोड़ देना है क्योंकि ये है नीचे की तरफ आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी बॉक्सेस को कलर पेपर से कवर कर दिया है। ये देखिए, ये हमारे सारे बॉक्सेस कवर हो चुके हैं। अब हम इनकी छत बनाएंगे। इनकी छत बनाने के लिए फ्रेंड्स हम ये एक पतला वाला थर्माकोल है, इसे हम इनका ये ऊपर वाला हिस्सा है इसके साइज से ये देखिए इस तरह नापेंगे और 1 सेंटीमीटर हम बाहर की तरफ लेंगे। हम इसे कट कर लेंगे। ये हमने थर्माकोल का पीस काट लिया है। ये देखिए, ये इससे 1 सेंटीमीटर बाहर निकला हुआ है। अब हम इसे, ये रेड कलर का पेपर है, ये देखिए, इसे इसको कवर कर लेंगे। ये हमने इसे रेड कलर से कवर कर दिया अच्छे से। ये हमारे देखिए, ये यहाँ पर इसे इस तरह से कि छत बनाएंगे हम। इसी तरह हम बाकी बॉक्सेस के लिए भी छत तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इन सभी के लिए देखिए, ये इसके लिए हम ये मोटी शीट लिया मैंने रेड कलर की, इसे इसकी छत बनाएंगे हम। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे सभी बॉक्सेस के लिए ये छत तैयार हो गई है। और फ्रेंड्स, हम इन सभी बॉक्सेस में खिड़की और दरवाजे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, ये बॉक्स में वॉशरूम के लिए यूज़ करने वाली हूँ, ये स्कूल में वॉशरूम बनेगा, तो हम इसमें दरवाजे ड्रॉ करेंगे। इससे पहले हम ये देखिए 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। ये है 11 सेंटीमीटर, तो हम इसे 5.5 सेंटीमीटर पर 2 हिस्सों में बांट लेंगे। ये 2 दरवाजे ड्रॉ करेंगे इस तरह से।
ये हमें दो बाथरूम इसमें दिखाने हैं बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग। ये इसमें गेट बनाने के लिए मैं ब्राउन कलर यूज कर रही हूँ। ये मैंने पेंसिल कलर यूज किया है, आप चाहे तो इसमें स्केच कलर या वाटर कलर भी यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो कलर की जगह आप यहाँ पर पेपर की स्ट्रिप काट कर भी चिपका सकते हैं। ये देखिए इसी तरह से हमें बाकी बॉक्सेस में भी गेट ड्रॉ करने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बिल्डिंग में खिड़की और दरवाजे ड्रॉ कर लिए हैं। ये मैंने स्कूल की ऊपरी मंजिल के लिए खिड़कियाँ ड्रॉ की है, अब इसमें कलर करना है। वैसे ही हम सारे बॉक्सेस में खिड़की और दरवाजे ड्रॉ कर लेंगे और कलर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी बॉक्सेस पर खिड़की और दरवाजे ड्रॉ कर लिए हैं। ये देखिए अब हम इनकी छत इन पर पेस्ट कर ये हमने स्कूल की दूसरी बिल्डिंग बनाई है, तो इसे हम यहाँ पर इसके ऊपर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इसे इस पर पेस्ट कर दिया, अब इन्हें अच्छे से सूखने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये सारे बॉक्सेस हमें इस तरह से थर्माकोल पर सेट करने हैं। ये हमने बिल्डिंग्स बनाई है, वो घर है और वो वॉशरूम। ये स्कूल के लिए मैंने तैयार किया है और वो उसके वॉशरूम के लिए, और उसके साइड में हम पार्क बनाएंगे, पब्लिक पार्क। और ये सिक्योरिटी गार्ड के लिए रूम है, इन्हें हम इनकी जगह पर फेविकॉल की हेल्प से फिक्स कर देंगे। बाकी बॉक्सेस को भी इस पर सेट कर देंगे फ्रेंड्स। अब हम सबसे पहले इसका ये पार्क वाला एरिया तैयार करेंगे। ये फ्रेंड्स, मैंने पार्क वाला एरिया ये आउटलाइन कर लिया है, अब हम इसके अंदर ये ब्राउन कलर करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें ब्राउन कलर हो गया है। अब हम इसे सूखने देंगे। एंड जब तक ये कलर सूखता है, ये मैंने एक थर्माकोल का पीस लिया है। इसकी लंबाई यहाँ से 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर है। ये हम यहाँ पर देखिए इस तरह से स्कूल की बाउंड्री के लिए यहाँ पेस्ट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलर सूख चुका है। अब हम इसे यहाँ पर इस बाउंड्री से 1.5 इंच की दूरी पर एक मार्क लगाएंगे। इसे हम यहाँ तक मार्क कर लेंगे। और ये हमारा यहाँ से रोड बनेगा, यहाँ से भी हम 1.5 इंच का मार्क कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये पॉप स्टिक्स मैंने ली है, ये देखिए इन्हें हम 2 बराबर हिस्सों में बांट लेंगे। इन सभी को इस तरह से हम कट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इन सभी पॉप स्टिक को हमने कट कर लिया है। अब हम इन्हें ये पार्क की बाउंड्री बनाने के लिए यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, हम इन्हें इस तरह से, ये देखिए, थर्माकोल में इस तरह से लगा देंगे। हमें इसमें फेविकॉल लगाना है जिससे ये अच्छे से मजबूती से चिपक जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पॉप स्टिक्स लगा दी हैं इसमें। ये हमने गेट के लिए जगह छोड़ दी है और यहाँ पर हम पूरे मॉडल की बाउंड्री बनाएंगे, इसलिए यहाँ पर और इस तरफ हमने स्पेस छोड़ दिया है। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये मैंने ग्रास के लिए तैयार किया है। ये आप मेरी दूसरी वीडियो में देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो चलिए हम इस पर यहाँ पर घास तैयार करते हैं। उसके लिए फ्रेंड्स, हम ये यहाँ पर फेविकॉल फैलाएंगे इस तरह से। और इसे इस तरह थोड़ा थोड़ा लेकर इस पर, ये हमें बहुत मोटे मोटे परत नहीं बनानी है इसकी, हल्के हल्के से हमें इसे लगाना है। इसे लगाने पर फ्रेंड्स, ये रियल घास का लुक आएगा इससे। आप चाहें तो इसकी जगह काइट पेपर भी यूज कर सकते हैं। फेविकॉल फैलाकर आप उस पर काइट पेपर पेस्ट करो। इसी तरह हम इसे पूरे पार्क में फैला देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने पूरे पार्क में घास लगा दी है। ये कॉर्नर हमने खाली छोड़ दिया है क्योंकि हम यहाँ पर डस्टबिन रखेंगे। अब हम इसे सूखने देंगे अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने घास लगाई थी, अब सूख चुकी है। अब फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ, ये देखिए, थर्माकोल के पीसेस काटे हैं। ये देखिए, इसकी यहाँ से चौड़ाई है 6 सेंटीमीटर और लंबाई हमने इसका यहाँ से थर्माकोल का साइज नापा है, उसी की लंबाई से हमने ये पट्टियाँ काटी है। तो हमें चारों तरफ के लिए पट्टियाँ काटेंगे 6 सेंटीमीटर ऊंचाई की। और फ्रेंड्स, ये स्क्रैप पेपर है, इससे हम इन पट्टियों को कवर कर देंगे जिससे ये देखने में भी सुंदर लगेगी और इसे पेस्ट करना भी आसान होगा। आप चाहें तो ये चार्ट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और भी कलर शीट यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसे आप वाटर कलर से भी कलर कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने इसे कवर कर दिया है स्क्रैप पेपर से। ठीक इसी तरह से हम बाकी पीसेस को भी कवर कर लेंगे।
ये हमने पट्टियों को अच्छे से कवर कर दिया है पेपर से। अब हम इन्हें इसके चारों तरफ पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने चारों तरफ इसमें पट्टियाँ लगा दी हैं। फ्रेंड्स इसी तरह से अब ये कुछ पीसेस हमने काटे हैं। अब हम इन्हें ये जो हमने घर बनाया है, बिल्डिंग्स बनाई हैं और ये स्कूल बनाया है, इसकी बाउंड्री के लिए हम ये इसी तरह की पट्टियाँ काटेंगे। ऊंचाई ठीक 6 सेंटीमीटर ही लेनी है हमें और लंबाई हम इसके गेट का हिस्सा छोड़ के उस हिसाब से पट्टियाँ काट लेंगे और इसे भी क्रैप पेपर से कवर कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सभी पीस इसको पेपर से कवर कर लिया है। ये देखिए, अब हम इन्हें इनकी जगह पर पेस्ट करेंगे। देखिए इसी तरह हम बाकी पीसेस को भी उनकी जगह पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी पीसेस को उनकी जगह पर पेस्ट कर दिया है। अब हम इसे अच्छे से सूखने देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने बाउंड्रीज में बनाई थी वो सूख चुकी हैं। अब हम इसे आगे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम ये स्कूल को तैयार करेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स हम ये मार्क करेंगे। ये हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम रास्ता बनाएंगे। ये इतने एरिया में हम पार्क बनाएंगे स्कूल के लिए। यहाँ पर हम ये पार्किंग बनाएंगे गाड़ी के लिए। तो सीधे से बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स मैंने ये व्हाइट कलर लेके उसमें हल्का सा ब्राउन कलर मिलाया है। ये देखिए बहुत ही लाइट कलर है, इसे हम यहाँ पर करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रे कलर मैंने बनाया है व्हाइट और ब्लैक को मिलाकर। फ्रेंड्स इसमें ग्रे कलर ये हो चुका है। ये कुछ पत्थर मैंने लिए हैं, इन्हें हम ये फेविकोल के हेल्प से यहाँ चारों तरफ उसके फैलाएंगे इस तरह से। यहाँ पेस्ट कर ये अच्छे से फेविकोल फैलाएंगे हम। ये देखिए फेविकोल हमने अच्छे से फैला दिया है। अब इस पर ये देखिए मैंने थोड़ी सी मिट्टी ली है, इसे हम हल्का हल्का सा फैलाएंगे। आप चाहें तो मिट्टी फैलाने की जगह आप इसमें ब्राउन कलर भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर ये थोड़ी सी घास फैलाएंगे, कहीं कहीं हल्की हल्की सी। ये फेविकोल है, इस पर हम इसे अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने घास फैला दी है। अब ये हम स्टिक की हेल्प से यहाँ पर इस तरह से ये होल करेंगे छोटा सा। और ये देखिए, ये मैंने कुछ आर्टिफिशियल पेड़ लिए हैं, इन्हें हम यहाँ पर लगाएंगे। एक फेविकोल लगाएंगे इसमें इस तरह से और ये यहाँ पर लगा देंगे। ये मैंने डस्टबिन बनाया है फ्रेंड्स, ये हम यहाँ पर लगाएंगे इसमें। फ्रेंड्स इसे बनाने के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये कुछ मैंने कट करके ये छोटे छोटे पीस किए हैं
पेड़ों से वो हम यहाँ पर और यहाँ पर लगा देंगे। ये हमारे स्कूल का गार्डन एरिया तैयार हो चुका है। अब ये मैंने एक छोटी सी बॉटल ली है, इसे हम यहाँ पर सिंटेक्स बनाएंगे। इसके लिए इसमें हम ब्लैक कलर कर देंगे। अब जिस तरह से हमने ये स्कूल का गार्डन एरिया और ये पार्किंग एरिया तैयार किया है, ठीक इसी तरह से हम ये बिल्डिंग वाले में भी तैयार करेंगे और घर में भी। ये यहाँ पर हम इसमें ये देखिए ये सोसाइटी के बच्चों के लिए प्लेग्राउंड बनाएंगे और बाकी हम ये पूरे एरिया में यहाँ ग्रे कलर करेंगे। हमें यहाँ पर पूरे एरिया में ग्रे कलर करना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पर ग्रे कलर कर दिया है। अब हम इसी तरह से ये घर में भी यहाँ पर ग्रे कलर करेंगे। यहाँ पर हम छोटा सा पार्क बनाएंगे, बाकी पूरे एरिया में हम ग्रे कलर कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ग्रे कलर हो चुका है। अब इसे सूखने देंगे हम। और फ्रेंड्स तब तक ये देखिए, ये मैंने कुछ पॉपी स्टिक्स लिए हैं जिन्हें हम दो बराबर हिस्सों में काट लेंगे। इन्हें भी हमने जैसे वो ग्राउंड में लगाया था, वहाँ पार्क बनाया था, ठीक उसी तरह से हम इन्हें भी यहाँ इस पार्क में लगा देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये हमने पॉप स्टिक इसमें लगा दी है। ये हमने गेट के लिए जगह छोड़ दी है। ठीक, अब जैसे हमने स्कूल में लगाया था वैसे ही हम यहाँ पर पहले मिट्टी डालेंगे, उसके बाद यहाँ पे घास डालेंगे और हम ये पार्क एरिया तैयार करेंगे। और ठीक इसी तरह से हम घर के पार्क का एरिया भी तैयार करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी जगह पार्क एरिया बना दिया है। फ्रेंड्स, ये बॉटल अब सूख चुकी है, अब इसे हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। पहले हम यहाँ पर इसे सड़क ड्रॉ कर लेंगे। सड़क के दोनों साइड हम फुटपाथ के लिए जगह छोड़ेंगे। ये देखिए हमने ड्रॉ कर ली है। अब ये वाटर कलर है ब्लैक, हम इसे इसमें कलर करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर वाटर कलर करने के बजाय ब्लैक कलर के पेपर के स्ट्रिप्स काट कर यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्लैक कलर हमने कर दिया है। अब इसे हम सूखने देंगे। और ये जो फुटपाथ के लिए जगह हमने छोड़ी है, इसमें ही जो हमने स्कूल में ब्राउन कलर मिलाकर वाइट कलर में वो किया है, उसी से थोड़ा डार्क कलर और बना के हम ये फुटपाथ के लिए यूज़ करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये कलर हमने अच्छे से कर दिया है। फ्रेंड्स, अब ये हम वाइट कलर लेंगे और ये वाइट कलर के हेल्प से ये सड़क के बीचों बीच इस तरह से ये लाइनें बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सड़क पर ये लाइनिंग ड्रॉ कर दी है। फ्रेंड्स, अब हम ये यहाँ मेन गेट बनाएंगे इनके लिए। जिसे बनाने के लिए मैं ये थिक शीट है वाइट कलर की, इसका यूज़ करूँगी। ये 2.5 इंच की लंबाई लेंगे इसके, क्योंकि जो हमने दीवारें बनाई है वो 2.5 इंच की लंबाई की है, तो इसका साइज भी हम 2.5 इंच लेंगे। और चौड़ाई में वो 3 इंच है तो हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, 3.5 इंच की हम चौड़ाई लेंगे।
ये देखिए हमने कट कर दिया है, ये यहाँ से 2.5 इंच है और यहाँ से 3.5। अब हम यहाँ से इसे इस तरह बीसों बीच फोल्ड कर लेंगे। कट करेंगे, ये दो बराबर हिस्सों में से कट कर लिया है। ये देखिए हमने इसमें लाइनिंग बना ली है। अब हमने ये ब्लैक कलर से फिल कर देंगे एक लाइन और। देख इसी तरह से हम ये दूसरा वाला हिस्सा भी तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये हमने इसे ड्रॉ कर लिया, अब इसे पेस्ट करेंगे हम। इसे हम किनारे से इस तरह ये देखिए ये छोटा साइज इसका फोल्ड कर लेंगे। देखिए ये जो हिस्सा हमने फोल्ड किया था यहाँ पर हम फेविकोल लगाएंगे। और इसे इस तरह यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये देखिए ये हमने गेट को यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसी तरह से हम ये बिल्डिंग वाले एरिया में और घर में भी बनाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स ये हमने हर जगह गेट बना दिए हैं। ये घर पे हो गया, ये यहाँ पर बिल्डिंग्स के पास हो गया और ये स्कूल में। फ्रेंड्स ये मैंने डस्टबिन बनाया हुआ है, ये हम यहाँ पर यहाँ पार्क में लगाएंगे इसे। इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। ये मैंने मिनी ब्रूम और शॉल बनाए हैं, इसकी भी आप वीडियो देख सकते हैं, इसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ये कुछ टॉय कार हैं, इन्हें हम यहाँ पर इस तरह से सेट कर देंगे। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के और रिलेटिव्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिए। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में आकर दे सकते हैं। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।